हेलो गाइस, इंसर्ट टैब के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उन सारी वीडियोस के आपको लिंक मिल जाएंगे। आप जाकर उन वीडियोस को भी ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं और आप इस वाले वीडियो पर देख रहे हैं तो आपको हो सकता है कुछ चीज़ें समझ ना आए, इसलिए आपको पिछले वीडियो भी ज़रूर देखना चाहिए। समझते हैं उन सभी ऑप्शंस को जिनको इस वीडियो में हमें कवर करना है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पेजेस को कवर किया था, टेबल्स को और इलस्ट्रेशंस, इन सभी ऑप्शंस को हम लोगों ने पिछली वीडियोस में कवर कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक है मीडिया, लिंक्स, कमेंट्स एंड हेडर एंड फुटर। इसमें जो दो ऑप्शंस हैं मीडिया और लिंक्स का, एक बेसिक से क्या है यूज है, ठीक है, तो इनको ज़्यादा इतना ज़्यादा वो नहीं जाएंगे, इनके डीपली में नहीं जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा यूज है नहीं इनका। ऑनलाइन में कि हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स में किसी भी वीडियोस को नहीं इंसर्ट करते ना, इमेज को ही इंसर्ट करते हैं, ज़्यादातर वीडियोस को इंसर्ट नहीं करते, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं, अपने सभी एक एक करके सभी को समझते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है ऑनलाइन वीडियोस, ठीक है, क्या है ऑनलाइन वीडियोस। तो इसका क्या मतलब है, यानी कि अगर आपके डेस्कटॉप लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्ट होगा, यानी कि वाईफाई कनेक्ट होगा, तो आप ऑनलाइन भी किसी वीडियोस को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर वीडियोस आने लगेंगे, ठीक है, तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो आप यहाँ पर सर्च करेंगे उस टाइप के आपको वीडियोस आना क्या हो गए आने लगेंगे, ठीक है। पर हम मेरे में अभी इस टाइम पे इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, तो इसलिए कोई ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर लिखा आ रहा है यू नीड एन इंटरनेट कनेक्शन टू इंसर्ट ऑनलाइन वीडियो, पर मेरे में इस टाइम इंटरनेट नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये लिखा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्राई अगेन करेंगे तो इंटरनेट कनेक्ट होगा तो यहाँ पर वीडियोज़ आने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे, जिस तरह से हम इमेज को इंसर्ट कर देते हैं उसी तरह से हम यहाँ से वीडियो को भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर हम ज़्यादा डीपली नहीं जाते हैं क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है लिंक्स में से। लिंक्स में तीन ऑप्शन आते हैं, लिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस, ठीक है। तो इन तीनों को हम लोग समझते हैं क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। तो लिंक को किस तरह से हम लोग यूज करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं एक पैराग्राफ लिख लेते हैं जिससे हम कहीं पर लिंक को यूज कर सकें, ठीक है। तो हमने एक पैराग्राफ ले लिया, ठीक है। अब ये पैराग्राफ हमने ले लिया तो हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर लिखा है योर डॉक्यूमेंट, इस वर्ड से योर डॉक्यूमेंट हमारा एक वर्ड लिखा हुआ है, टू वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो हम इनसे किसी फाइल को किसी वेबसाइट को लिंक करना चाहते हैं, तो हम लिंक का यूज करके उसको लिंक कर सकते हैं। इसको किस तरह से करते हैं चलिए एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि हमारा ये है योर डॉक्यूमेंट, तो इस पर हमने सेलेक्ट किया, सबसे पहले जिसको लिंक करना है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, वरना उसको आप कंप्यूटर को बताओगे ही नहीं कि किसको लिंक करना है तो वो किसको लिंक करेगा, इसलिए आपको सबसे पहले उसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको लिंक पर क्लिक करना है और आपके पास इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो आप बहुत कुछ इसमें क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास कोई फाइल है, जैसे कि हमारे पास कोई फाइल है, जैसे कि यहाँ से हम लोग कोई फाइल खोल लेते हैं और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जो म्यूजिक वाला फोल्डर है या पिक्चर वाला जो हमारा फोल्डर है, हम उसको इस वर्ड से लिंक कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने उस पर क्लिक कर दिया और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि उसके नीचे अंडरलाइन आ गया है और उसका कलर भी चेंज हो गया है। अब वो कैसे खुलेगा, तो इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है, क्लिक कर दिया तो कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद आपको क्या करना है, इंटर को प्रेस कर देना है और यहाँ से क्या करना है, यस पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि वो इमेज वाला फॉर्म यहाँ पर जो हमने लिंक किया था, इमेज वाला, देखो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर इमेज वाला जो यहाँ पर खुल चुका है, यहाँ पर लिख कर आया है पिक्चर, ठीक है, तो हमारा वो खुल चुका है, ठीक है। अगर हमें इसको नहीं करना है, ठीक है, इसको नहीं करना है, मैं इसको कट कर देता हूँ या मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। जैसे इसको मुझे नहीं करना है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से और मैं कुछ और लगा देता हूँ, जैसे मैं फाइल पर जाता हूँ और यहाँ से डेस्कटॉप को क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं डेस्कटॉप पर क्लिक किया और यहाँ से ओके कर दिया, तो हमारे यहाँ पर क्या होगा, डेस्कटॉप लिंक हो गया। तो हम इस पर जैसे क्लिक करेंगे और इंटर को प्रेस करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, यस करेंगे, तो हमारा क्या होगा, डेस्कटॉप ओपन हो गया। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, डेस्कटॉप में मेरा यही सब कुछ है, तो डेस्कटॉप यहाँ से क्या हो गया, लिंक हो गया, ठीक है। अब मुझे डेस्कटॉप को नहीं करना, किसी फाइल को करना है, तो मैं इसके लिए मुझे कोई वर्ड है प्रोफेशनली, ठीक है, इस तरह का कोई वर्ड, कोई भी वर्ड हो, ठीक है, जैसे मुझे इसको लिंक करना है तो मैं किससे कर सकता हूँ, या तो ब्राउज में पेज से कर सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर कोई वेबसाइट का नाम दे देता हूँ, जैसे कि https
और इसके बाद मैं एक अपनी वेबसाइट का नाम दे देता हूँ, ठीक है। इस वेबसाइट का मैंने क्या वो दे दिया, URL दे दिया। इसके बाद मैं यहाँ से क्या करूँगा, ओके कर दूँगा, ठीक है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि वो वेबसाइट यहाँ से लिंक हो गई, जिस पे जिस तरह से आप इस पे कर्सर को ले जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कंट्रोल प्लस क्लिक, यहाँ पे लिखा रहा था तो कंट्रोल के साथ प्लस को वो कंट्रोल के साथ आप क्लिक करेंगे तो आप इस पर पहुँच सकते हैं, ठीक है। मैं कंट्रोल को प्रेस कर लेता हूँ, मैं क्लिक यहाँ पर है, मैं कंट्रोल को प्रेस कर लेता हूँ, अब इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं वो फाइल ओपन हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं nationmaster.in, ठीक है, वो उस तरह की वेबसाइट ओपन हो रही है, ठीक है। जो भी हमने वहाँ पे लिंक की थी वही वेबसाइट वहाँ से लिंक ओपन होगी। अगर हमें इस तरह से नहीं करना तो इस पर क्लिक करेंगे और इंटर को प्रेस कर देंगे, तब भी हमारा वैसा ही वो क्या होगा, जो भी उसमें लिंक होगा वो ओपन होने लगेगा, ठीक है। तो हमें जिस भी फाइल को, जैसे कि मेरी कोई फाइल है, वर्ड की हो सकती है, एक्सेल की हो सकती है, जो भी फाइल हो, ठीक है, तो मैं लिंक पर क्लिक कर दूंगा। जैसे कि मेरी जे वाली एक्सेल की फाइल है, ठीक है, तो मैं यहाँ से ओके कर दूंगा और यहाँ पर क्लिक वो कलर चेंज हो गया, तो मैं कंट्रोल को प्रेस करूँगा और क्लिक कर दूंगा और यहाँ से ओके कर दूंगा तो मेरी वो एक्सेल की फाइल है जो वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो मैं इसको अभी कट कर देता हूँ। तो आपको समझ में आया कि आपको जिस किसी को भी आपको अपने, आप ऐसा नहीं है कि वर्ड से ही लिंक कर सकते हैं, आपको पूरे पैराग्राफ से करना है। जैसे कि मैं किसी पैराग्राफ को ले लेता हूँ, जैसे कि मेरा ये पूरा पैराग्राफ है तो मैं इससे लिंक कर देता हूँ। वैसे जो सही तरीका है किसी भी चीज़ को लिंक करने का वो वर्ड है, वर्ड से टू वर्ड, थ्री वर्ड्स, फोर वर्ड, वन मतलब वन सेंटेंस भी आप कर सकते हैं, पर पूरा पैराग्राफ किस तरह से आप करोगे, ठीक है। तो इस तरह से देखो लिंक वैसे हो जाएगा, ठीक है, आप किसी चीज़ को भी लिंक करोगे लिंक हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं, क्रिएट न्यू का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ पर ये है ऐसे आइडियाज, ठीक है, तो इस पर क्लिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा तो आप देख सकते हैं वो पूरा पैराग्राफ हाईलाइट होने लगा है, ठीक है। तो इस पर क्लिक किया हमने, क्लिक नहीं करना तो यहाँ पर क्लिक किया, कंट्रोल के साथ साथ में क्लिक किया और यहाँ से यस कर दिया, तो वो हमारी जो एक्सेल फाइल है किसकी, नोट पैड की, वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इस पर कट कर देता हूँ। तो आपको समझ में आया कि लिंक का यूज किस तरह से आप करते हैं, ठीक है। किसी भी फाइल को, जैसे कि आप कभी उसमें जाएंगे किसी भी वेबसाइट में विजिट करेंगे तो उसमें कई सारे वर्ड होते हैं जो एक दूसरे से, एक दूसरी वेबसाइट से लिंक होते हैं, तो ठीक है, इंटरनेट की दुनिया में एक दूसरे को लिंक करना ये बहुत ही यूजफुल काम है। अगर आप आगे फ्यूचर में कोई वेबसाइट को डेवलप करेंगे तो आप उसमें लिंक करना बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप लिंक से ही वहाँ पर किसी चीज़ को एक दूसरे से लिंक करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने समझा कि आप किस तरह से किसी को भी लिंक कर सकते हो, ठीक है, किसी भी फाइल को, किसी भी URL को, किसी भी इमेज को, किसी भी फोल्डर को आप यहाँ से इजीली लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लिंक किस तरह से करते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है बुकमार्क का, ठीक है। तो बुकमार्क पर हमने क्लिक किया, इसमें कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। एक कैसे काम करता है, जैसे कि मैं इसको पूरा पेज को ज़्यादा कर लेता हूँ, ठीक है। बुकमार्क नाम को पहले समझो, नाम क्या बोल रहा है, बुकमार्क, बुक यानी कि किताब, मार्क में निशान। जिस तरह से हम लोग कोई किताब पढ़ते हैं, ठीक है, किताब पढ़ते हैं तो क्या होता है कि हमें कोई काम या जैसे कि हमने आज 6 पेज पढ़े हैं और 6 पेज का 7वां पेज हमने स्टार्ट किया, उसमें बीच तक पहुँचे, ठीक है, तो वहाँ से हमें कोई काम याद आ गया तो हमें वहाँ पर क्या करेंगे, पेन से या पेंसिल से वहाँ पर टिक लगा देते हैं, जिससे हमें, जैसे कि हम आगे इसको पढ़ेंगे तो हमें पता होगा कि हम यहाँ तक इस बुक को पढ़ चुके हैं, ठीक है। वही काम आप डेस्कटॉप या MS Word में तो नहीं कर सकते, पेंसिल तो नहीं लगा सकते ना, पेन या पेंसिल तो नहीं चला सकते, तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है बुकमार्क का, ठीक है। तो आप जैसे कोई ऑप्शन मतलब कोई PDF पढ़ रहे हैं, तो जैसे कि आप ए वाला समझ लो कि कोई PDF है या कोई आपकी डॉक्यूमेंट है, आप इसको पढ़ रहे हो, ठीक है। सपोज करो जैसे कि इसमें 9 पेज हैं, हम 8वें पेज पर हैं अभी, तो हम 7वें पेज पर जाते हैं, सपोज करो हमने यहाँ तक इसको पढ़ लिया, ठीक है, वैन लिखा, वैन यू क्लिक डिजाइन, तो हम लोगों ने यहाँ तक इसको पढ़ लिया, ठीक है। हम लोग अभी 7वें पेज पर हैं, यहाँ पे देखो लिखो 9 पेज है हमारे पास कम, पूरे जितने पेज हैं हमारे पास इसमें जितने आप देख सकते हैं कितने हैं, 9 पेज हैं, पर हम अभी 7वें पेज पर हैं, ठीक है। तो हम यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया है, पर हमें कोई काम याद आ गया है तो हमें वो काम करने जाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बुकमार्क लगा देंगे, यहाँ पर हमने क्लिक किया, इसके बाद हम बुकमार्क पर जाएंगे और इसका कोई नाम दे देंगे, यहाँ पर हम दे देंगे फिनिश लिख दिया हमने, ठीक है। इतना कोई भी नाम दे दो, कोई इसी से वो नहीं है कि आप नाम ही दो, कोई भी नाम दे दो, आपको जो नाम देना था ऐड कर दिया यहाँ पर, बस। अब आप क्या करो, ठीक है, आपने जैसे कि अब हम इसको क्या करते हैं, फाइल को थोड़ा
सेव कर देते हैं। ठीक है, तो हम इस फाइल का नाम दे देते हैं टुडे डॉक्यूमेंट्स दे दिया हमने, इसको सेव कर दिया। अब हम इसको क्या करते हैं, कट कर देते हैं। कट कर दिया हमने, अब हम जाते हैं अपने एमएस वर्ड में। ठीक है, हमने अपने एमएस वर्ड को ओपन किया, कर लिया ओपन। ठीक है, हम क्या करते हैं, अपने उसी जो हमारी डॉक्यूमेंट थी हम उसी को ओपन करते हैं, जो थी हमारी, क्या नाम था उसका, यहाँ पर हमें ये टुडे डॉक्यूमेंट्स, तो ये हमारी डॉक्यूमेंट्स थी। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर फर्स्ट पेज पर हैं, है ना, यहाँ पर फर्स्ट पेज पर हैं हम यहाँ पर। अब हमें जाना है वहीं पर जहाँ पर हम उसको पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है इंसर्ट टैब पर और बुक मार्क में जाना है, और यहाँ पर आपने लिखा फिनिश। फिनिश पर आपका क्लिक है, आप जितनी जगह पर भी बुक मार्क लगाएंगे यहाँ पर वो सारी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो अभी हमने केवल एक ही बुक मार्क लगाया, तो यहाँ पर फिनिश नाम दिया था उसका, तो यहाँ पर वो आ गया। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, गो टू पर क्लिक कर देना है और यहाँ से क्लोज। अब हम आप बताओ कि हमारा कर्सर कहाँ पर है, कर्सर वहीं पर आ गया, व्हेन यू क्लिक डिजाइन, वहीं पर क्या हो रहा है, बिलिंग कर रहा है। जहाँ पर हम लोगों ने बुक मार्क लगाया था वो वहीं पर बिलिंग कर रहा है, जहाँ पर हमने बुक मार्क लगाया था वहीं पर बिलिंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर इसको मार्क लगाया हुआ था। इस तरह से हम बुक में पेंसिल का यूज करते हैं, पेन का यूज करते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने बुक मार्क का यूज किया था। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कि हम यहाँ पर, यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया था। ठीक है, तो आपको समझ में आया बुक मार्क का क्या यूज होता है। ठीक है, बुक मार्क समझ में आ गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्रॉस रेफरेंस का। ठीक है, क्रॉस रेफरेंस का क्या यूज होता है, तो हमने क्या किया है, हमने किया है कि हमने यहाँ पर हेडिंग्स के नाम दे दिए, जैसे कि एक हेडिंग दे दी थी, दूसरी हेडिंग ए दे दी, और इसके आगे हमने तीसरी हेडिंग ए दे दी, चौथी हेडिंग ए दे दी, पर हमने अभी इसमें हेडिंग्स का यूज नहीं किया था। इसको हम क्या करते हैं, हेडिंग्स का यूज कर देते हैं। इसको हमने सेलेक्ट किया, होम पर गए, और यहाँ से हम इसको फर्स्ट हेडिंग दे दी हमने। इसके बाद हमारी जो दूसरी हेडिंग है, तो हम इसको सेलेक्ट किया हमने और इसको दूसरी हेडिंग दे दी। ठीक है, इसके बाद हम इसको तीसरी हेडिंग दे देते हैं, और इसके बाद हम इसको चौथी हेडिंग दे देते हैं। अब आप कहोगे ये क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो आपको आगे समझ में आएगा कि एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने चौथी हेडिंग दे दी, इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इसको पाँचवीं हेडिंग दे देता हूँ, और जो हमारी छठवीं हेडिंग है मैं इसको भी छठवीं हेडिंग दे देता हूँ। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया, सिक्स हेडिंग का यूज़ किया। आप सब टाइटल का यूज कर सकते हैं, जो अभी आपको यूज करना है, जो आपकी डॉक्यूमेंट्स हो। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग वो बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हेडिंग लिस्ट इसका वो दे देंगे, और यहाँ पर हम लोग हेडिंग लिखेंगे। तो इसके बाद आपको इंसर्ट पे जाना है, यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस पे जाना है, और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें देना है हेडिंग फर्स्ट। ठीक है, इसको कैंसिल करो, क्रॉस रेफरेंस, यहाँ पर हेडिंग, यहाँ पर जी हेडिंग फर्स्ट इंसर्ट कर दी हमने। ठीक है, इसके बाद हमने दूसरा दिया हेडिंग टू, इसको सेलेक्ट किया, हेडिंग टू दी और इंसर्ट कर दी। यहाँ पर हमने हेडिंग दिया, यानी तीन दी, और इसको यहाँ से सेलेक्ट किया, हेडिंग तीन दी और इंसर्ट कर दिया। ठीक है, और ऐसे ही हम लोग यहाँ पर हेडिंग फोर दे देते हैं, फिर सॉरी हेडिंग फोर दे देते हैं, फिर हेडिंग फाइव, फिर हेडिंग सिक्स। ठीक है, तीन तक हमने, दो तक तो दे दिए हम, तीसरे हमने दे दिया था क्या, क्रॉस रेफरेंस में तीसरी को हमने इंटर दे दिया, इसके बाद इंटर करो, इसको हमें फोर्थ हेडिंग देनी है, इंसर्ट, इसके बाद हमें इसको फाइव हेडिंग देनी है, इंसर्ट, इसके बाद हमें इसको क्या करना है, सिक्स हेडिंग देनी है और इंसर्ट करना है। ठीक है, इसके बाद क्रॉस कर देना है, ऐसे ही ऐसे हम इस पर इंटर
कंट्रोल पर प्रेस करेंगे और क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हम फर्स्ट हेडिंग पर पहुंच चुके हैं। फर्स्ट हेडिंग कहाँ है हमारी, पाँचवें पेज पर है, ठीक है। और हमारी ये सारी हेडिंग जिस तरह से हम लोग बुक होती है हमारी, ठीक है, बुक में क्या होता है कि पहले हमारी एक लिस्ट होती है, लेसन लिस्ट, ठीक है। इसके बाद हमारे लेसन्स होते हैं और लिखे होते हैं। तो आप सपोज करो कि कोई अपने PDF लिखा है जिसमें अपने लेसन लिखे हैं 10 lessons लिखे हैं, ठीक है, और 1 lessons लिखा है जो 10 pages तक गया है, तो दूसरा लेसन लिखा है तो 15 pages तक गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा पाँचवें पेज पर पहुँचने के लिए। पर आप वहाँ पर जब क्रॉस रेफरेंस का यूज करोगे तो आप क्या करोगे, वहाँ पर एक लिस्ट बनाओगे सभी हेडिंग्स की, और जब जैसे ही आप दूसरे लेसन पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो आप डायरेक्ट दूसरे लेसन पर पहुँच जाओगे। और जिस तरह से आप किसी भी पेज पर, जैसे कि मैं यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चौथी हेडिंग का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कंट्रोल को प्रेस कर रहा हूँ और चौथे पर क्या कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट हम लोग चौथी हेडिंग जो हमारी है हम वहाँ पर पहुँच गए। चौथी हेडिंग हमारी कहाँ पर है, छठवें पेज पर है, क्योंकि हम तो अभी फर्स्ट पेज पर थे, ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट पेज है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी फर्स्ट पेज है, पर हमें जानी है पाँचवें वाले पेज पर, ठीक है। तो हम इस पर कंट्रोल को साथ में दबाए रखेंगे, कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे और क्लिक करेंगे किस पे, हेडिंग 5 पर। तो आप देख सकते हैं कि हम डायरेक्ट हेडिंग 5 पर पहुंच चुके हैं। तो ये यूज होता है क्रॉस रेफरेंस का। जब आप बड़े बड़े PDF लिखोगे 200 400 600 पेज के, तो वहाँ पर आप क्रॉस रेफरेंस का यूज करोगे, ठीक है, कि हो सकता है कि आपको क्या बोलना है 500वें पेज पे जाना है, ठीक है, तो आप क्रॉस रेफरेंस बनाओगे फर्स्ट पेज में, ठीक है, और हेडिंग्स वाइज हो सकता है, नंबर वाइज, पेज वाइज, लोकेशन वाइज, ठीक है, जिस तरह से आप यूज करना चाहते हैं वहाँ पर यूज कर सकते हैं। और आप जिस तरह से क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ तो आप डायरेक्ट वहाँ पर क्या हो जाएंगे, रिडायरेक्ट हो जाएंगे, आप वहाँ पर सीधे वहाँ पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आया लिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस किस तरह से यूज होते हैं। इसके बाद आता है कमेंट्स का ऑप्शन। कमेंट का ऑप्शन क्या होता है, जैसे कि सपोज करो हमने लिखा यहाँ पर ग्राफिक्स, एक ग्राफिक्स लिखा हमने, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, या हमने ग्राफिक्स पर लिखा। अब हमें इस ग्राफिक्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि एक्चुअल में ग्राफिक्स हैं कौन से, ठीक है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कमेंट पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि साइड में उसका ऑप्शन खुल गया है। अब हम यहाँ पर ग्राफिक्स के बारे में जो भी चाहें उसको लिख सकते हैं कि ग्राफिक एक्चुअल में क्या है। हम यहाँ पर कुछ लिख देते हैं, नथिंग वाइज हमने यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो ये यहाँ पर कमेंट बन गई, ठीक है। इसके बाद जो भी रिप्लाई देना चाहते हैं यहाँ से वो रिप्लाई दे सकता है, ठीक है। फिलहाल हम इसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि किसी भी वर्ड के बारे में, जैसे कि आपने विकिपीडिया अगर यूज की है, अगर विकिपीडिया एक बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है, अगर आपने उसको यूज किया है तो उसमें आधार कमेंट का यूज होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप कमेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है हेडर का, लिंक्स और कमेंट्स और मीडिया, आपने समझ लिया। अगर नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है हेडर का, तो हेडर का किस तरह से यूज करते हैं, जैसे कि आपने बुक देखी होगी तो बुक में ऊपर सबसे ऊपर क्या होता है, नंबर्स होते हैं, हेडिंग भी, मतलब कभी कभी उसमें क्या होता है, डेट भी होती है, तो ये हेडिंग के एक पार्ट होते हैं, वो सबसे टॉप बार होता है, ठीक है, उसको हेडर बोलते हैं, ठीक है। तो हेडर में हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, हेडर में क्या यूज करना है, यहाँ तो ब्लैंक चाहिए तो हम ब्लैंक भी यूज कर सकते हैं, अगर हमें 3 कॉलम वाला चाहिए तो हम 3 कॉलम वाला चाहिए कर सकते हैं, अस्टिन चाहिए तो हम ए यूज कर सकते हैं, और हमें इतने सारे ऑप्शन हैं, हम जिस तरह को क्लिक कर देंगे उस तरह का हमारा हेडर आएगा प्रत्येक पेज में, एक पेज में नहीं, हम क्लिक करेंगे तो सभी पेज में, जैसे कि कोई बुक होती है तो उसके जो हेडर होते हैं सभी के सेम होते हैं, अगर वो नंबर हैं तो नंबर बाई नंबर चलते जाते हैं, ठीक है, और अगर उसमें कुछ लिखा है डेट तो डेट भी चले जाती है, ठीक है। जैसे कि हम इसमें क्या ले लेते हैं, पेज नंबर ले लेते हैं, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर देखो 7 पेज है, इसके आगे हम देखेंगे तो 8 पेज आ जाएगा, इसके आगे देखेंगे तो 9 पेज आ जाएगा, तो जितने पेज यहाँ से क्रिएट होते जाएंगे यानी कि बढ़ते जाएंगे 500 600, तो वो उतना नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिकली लिखता जाएगा। आपको यहाँ पर पेज नहीं लिखना है तो आप यहाँ पर पेज को हटाकर यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर, ठीक है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं जिस हिसाब से आपको करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो ऑप्शन भी यहाँ पर खुल चुका है कि आप यहाँ पर हेडर का टॉप बार कितना देना चाहते हैं, बॉटम कितना देना, यहाँ से आप उसको सब को क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ पर प्रीव्यू पर। हम इसके ज़्यादा डीपली नहीं जाते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। यहाँ से आप डेट ऑफ टाइम को इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से, जैसे कि मुझे इस तरह का डेट ऑफ टाइम चाहिए तो यहाँ से हम इंसर्ट कर लेंगे, तो और यहाँ पर थोड़ा स्पेस दे देंगे, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर
डेट भी आ चुकी है, ठीक है, जो आपको इंसर्ट करना है आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। तो हेडर आपको समझ में आया, हेडर के सभी किस तरह के ऑप्शन है। अगर आपको मोर ऑन हेडर चाहिए तो आप office.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अपने हेडर को एडिट करना है अपने हिसाब से तो आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मुझे कोई नाम लिखवाना है, जैसे कि मैंने ऑथर लिख दिया, तो अब जितने भी पेज आएंगे वो सभी पर ऑथर लिखा हुआ आएगा। आप जितने भी पेज देखते जाएंगे सभी में ऑथर लिखा हुआ आएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगर हमें रिमूव करना है तो हम यहाँ से हेडर रिमूव भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सभी पेज से हेडर हमारा क्या हो गया, वो रिमूव हो गया है, ठीक है। इसके बाद आता है फुटर। फुटर यानी कि जो पेज हमारा होता है, बुक्स होती है, उसका पेज का जो निचला हिस्सा होता है, जिस तरह से हेडर होता है ऊपर का हिस्सा और फुटर होता है निचला हिस्सा, तो हम ऐसे ही फुटर को कुछ मतलब जैसे कि हमें फुटर में भी नंबर देना है। कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जिसमें जो नंबरिंग होती है, पेज की जो नंबरिंग होती है वो मतलब फुटर में चलती है, तो आप उसको फुटर में भी कर सकते हो। आप क्लिक कर दोगे तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे जो नंबर्स आ रहे हैं ये फुटर्स में आ रहे हैं, ठीक है। जितने पेज हमारे होते जाएंगे वो फुटर्स में आते जाएंगे। इस तरह से हेडर फुटर का जो क्या होगा ये ऑप्शन खुल गया कि हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। फुटर में कई सारे ऑप्शन हैं। office.com में आप कराते हैं यहाँ से एडिट कर सकते हैं, जिस तरह से हम हेडर को करते हैं उस तरह से हम फुटर को भी एडिट कर सकते हैं, यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने रिमूव कर दिया। बस आपको सिर्फ समझना है, ठीक है, तो हेडर फुटर एक्चुअल में है क्या और कैसे काम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है पेज नंबर का। तो हमें पेज को जो नंबर देने हैं, जैसे कि हमें हमने हेडर फुटर में भी नंबर का यूज़ किया, पर हमें हेडर फुटर में नंबर का यूज नहीं करना है, कोई नाम देना है, कोई डेट देनी है, तो हम वो सब भी दे सकते हैं। पर अगर हमें पेज नंबर अलग से चाहिए, जैसे पेज के नंबर हमें अलग टाइप के देना है, जैसे कि यहाँ पर टॉप में देखो कई सारे ऑप्शन हैं। टॉप में आपको लेफ्ट में देना है, सेंटर में देना है, राइट में देना है, या इस तरह से आप जिस तरह से थे आप इस तरह से देना है, ब्रैकेट्स में, डॉट्स में, जिस तरह से आपको इसमें देना है। जैसे मुझे इस तरह के नंबर देना है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और आप देख सकते हैं कि सभी में उसी तरह के नंबर्स आएंगे, ठीक है। और आपको इस तरह ये क्या हुआ, ये हेडर की हुआ। अगर आपको हेडर में नहीं जाना है, आपको बॉटम में देना है, तो आपके बॉटम में भी उसी तरह के जो ऑप्शन हेडर्स में आएंगे वही आपके बॉटम में भी आएंगे, ठीक है। जैसे आपको इस तरह के देना है, आपको जिस भी तरह के देना है आपको उसको सिर्फ क्लिक कर देना। जैसे मुझे इस तरह के देना है, मैं इस पर क्लिक कर दिया, उस तरह का क्या हो गया बॉटम में जो नंबर है वो आने लगे, ठीक है। हेडर में भी आएंगे क्योंकि हमने हेडर को भी रिमूव नहीं किया है, तो हेडर्स में भी आएंगे। तो अगर हेडर में जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर office.com से चाहिए हमें, तो यही नहीं है उसे रिमूव पेज नंबर, तो हम यहाँ से सभी को रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पर और भी ऑप्शन है, मार्जिन, अगर आपको पेज को घुमाना है, एसेंट बार, लेफ्ट राइट, जिस तरह से आपको यहाँ पे करना है, वर्टिकल राइट करना है, तो आप जैसे कि यहाँ से इस साइड से पेज को देखो आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ घूम गया इस साइड, तो इस तरह से भी इसको लिखा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपने देख लिया करंट पोजीशन, इसकी पोजीशन क्या है, आपको किस तरह से इसको पोजीशन को भी आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसकी मुझे यहाँ पर देना है इसको, चूँकि यहाँ पर है नहीं इसलिए वो यहाँ पर आया नहीं, चूँकि अब यहाँ पर है तो इसलिए यहाँ पर ये शो कर रहा है। इसके बाद फॉर्मेट पेज नंबर, अगर आपको अपने हिसाब से फॉर्मेट करना है, 1, 2, 3 नहीं चाहिए, आपको ABCD में कहीं चाहिए या रोमन में चाहिए, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जो भी आप फुटर नंबर देंगे तो वो रोमन में आएगा, ठीक है। ये देखो आप रोमन में आ रहा है ना, देखो आप रोमन में आ रहा है। तो इस तरह से आप क्या है पेज नंबर का यूज कर सकते हैं। तो आज हमने ऑनलाइन वीडियोस, लिंक्स, बुकमार्क्स, क्रॉस रेफरेंस, हेडर, फुटर एंड पेज नंबर, इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन हैं, जैसे कि लिंक्स, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, हेडर, फुटर एंड पेज नंबर। एक जो सिक्स जो क्या है ये क्या बोल सकते हैं इनको, जो लिंक्स में हैं, जो लिंक्स टॉपिक में ये हैं, और हेडर और फुटर में जो ऑप्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करना है, जिससे आपको ये आगे भूल लेना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे हमारा जो टॉपिक आएगा उसमें हम इसको कंप्लीट ही कर देंगे पूरा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस करना है, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो और आप इस तरह की इन्फॉर्म